देखो सर बच्चे, जैसे मान लो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करें, हमसे कहा जाए सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू लेसर इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन मान लीजिए हमें सॉल्व करना है। ठीक, देखो ध्यान दो, ये क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक के करने पड़ जाएंगे फैक्टर्स, क्योंकि बिना फैक्टर के ये क्वाड्रेटिक को नहीं सॉल्व किया जा सकता है ना। तो हमने कहा ऐसा करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री है, इसके फैक्टर्स करने की कोशिश करें, है ना। तो देखो इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, मिडिल टर्म को अगर आप स्प्लिट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। तो मैंने ऐसे केस में क्या बताया था, इसके फैक्टर जबरदस्ती करो। अब जबरदस्ती फैक्टर करें तो x की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और अपॉन टू ए, ऐसे है। तो क्या हुआ, देखो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस इलेवन अपॉन टू ई आ गया। देखो रूट के अंदर ये निगेटिव आ गया, अब रूट के अंदर निगेटिव आ गया इसका मतलब ये इसके फैक्टर नहीं मान सकते, इनको नंबर लाइन पर नहीं शो कर सकते, है ना। हाँ रूट के अंदर पॉजिटिव आता, जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था उसमें हम लोगों ने जबरदस्ती फैक्टर किए थे, उसमें रूट के अंदर पॉजिटिव था तो आप नंबर लाइन पर शो कर सकते थे, इसको आप नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव है। तो क्या होगा, देखो ध्यान दो, अब हम इसमें वही क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, देखो इसके रूट्स इमेजिनरी है, मतलब इसमें डी निगेटिव है, तो अगर डी निगेटिव है तो ए पे ध्यान दो, ए ए क्या है बोलो वन, तो ए क्या हो गया पॉजिटिव, है ना। डी निगेटिव है और ए क्या हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो होगा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हमेशा ये पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि देखो इसमें डी निगेटिव है, रूट के अंदर निगेटिव है और ए है वन, वन का मतलब पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव है डी निगेटिव है। तो जब कभी ए पॉजिटिव और डी निगेटिव होगा तो मैंने बताया था उसका आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। देखो ध्यान दो, मतलब ये जो टर्म है, अभी आगे चल के मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी बताऊंगा, तो वहां पर आप ये भी समझोगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ये भी मैं तुमको अभी आगे चल के समझाऊंगा। देखो ध्यान दो, ये जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इसकी वैल्यू कभी जीरो भी नहीं होगी, है ना, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, यानी इस पूरे की वैल्यू कभी भी जीरो भी नहीं होगी। तो एक्चुअली ऐसे टर्म से अगर हम इन इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, जो चीज हमेशा पॉजिटिव है उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और जो चीज हमेशा निगेटिव है उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन इक्वेशन बदल देंगे, है ना, जो चीज हमेशा पॉजिटिव है उससे भी डिवाइड कर देंगे, इन इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, जो चीज हमेशा निगेटिव है उससे भी डिवाइड कर देंगे लेकिन इन इक्वेशन को बदल देंगे। हाँ ऐसी चीजें जो कभी पॉजिटिव हो और कभी निगेटिव हो उनको डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये जो टर्म है अपना क्वाड्रेटिक वाला, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, फैक्टर हुए तो इमेजिनरी हो गए। तो अगर हम इस टर्म को डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा बोलो, x माइनस वन अपॉन क्या बचेगा बोलो, x माइनस टू लेसर इक्वल टू जीरो, है ना, इससे डिवाइड कर दिया तो x माइनस वन अपॉन x माइनस टू लेसर इक्वल टू जीरो बचा। अब क्या हुआ देखो, नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक, x की एक वैल्यू वन आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई बोलो टू आ गई, क्या होगा बोलो पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। देखो इक्वल भी है, इक्वल होगा तो इक्वल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर वाले पॉइंट पर क्या लगाते हैं डॉट, तो न्यूमरेटर का पॉइंट क्या है बोलो वन, तो वन पर लगाएंगे डॉट, देखो ये रहा वन पर डॉट, है ना, टू पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब सर्कल, और चाहे तो सर्कल बनाए चाहे ना बनाए, ठीक है, तो वन पर डॉट लगाया क्योंकि ये वाला सिंबल है, ठीक है, ध्यान दीजिए।
तो हमें चाहिए क्या, लेस देन जीरो, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव पार्ट देखो ये, तो एक्स क्या हो गया बोलो, क्लोज इंटरवल 1 से 2, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आया, 2 पर ओपन इंटरवल और 1 पर क्लोज इंटरवल, ये हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ पर आंसर आ गया, ध्यान दो, ठीक बात है। तो अगर कभी ऐसा क्वाड्रेटिक आ जाए इन इक्वेशन में जिसके फैक्टर पॉसिबल ना हो, तो वो कंफर्म है उसमें डी नेगेटिव होगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा होगा, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो हम चेक कर लेंगे उसमें ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, डिवाइड कर दोगे इन इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो इसका मतलब वो हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, उसको डिवाइड करोगे और इन इक्वेशन को बदल दोगे। ये लेस है तो लेस से क्या बन जाएगा बोलो, ग्रेटर बन जाएगा, या अगर ग्रेटर होता तो ग्रेटर से क्या हो रहा था, लेस हो जाता है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन को बदलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये नंबर पॉजिटिव है इसलिए डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, इन इक्वेशन जैसा था वैसा ही है। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया, ठीक है, नोट करो सब बच्चे इस बात को जल्दी से।